किम जोंग उन वापस आ गया है, इस बार टीवी की स्क्रीन पर नहीं लल्लन टॉप की स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। हम अक्सर टीवी वालों के बारे में कहा करते थे कि इनको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की कारस्तानियों से फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन खबर गंभीर है, इसलिए आज हम दुनियादारी के परचम तले उस मुल्क की सियासत की तरफ रुख कर रहे हैं। पर सबसे पहले आप एक किस्सा सुन लीजिए। 2 बरस पहले की बात है, साउथ कोरिया के प्योंगचांग में विंटर ओलंपिक खेल हो रहे थे, पर खेलों से ज्यादा चर्चा इनके पीछे चल रही डिप्लोमेसी की थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने खिलाड़ियों को साउथ कोरिया भेजने पर हामी तो भर दी थी, लेकिन दोनों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते, ऐसे में लोगों को लग रहा था कि शायद ये एक उम्मीद वाली खबर हो, पहल हो। अखबार टिप्पणियां लिख रहे थे कि अब दोनों देशों में दोस्ती के नए सफर की शुरुआत हो सकती है। इस उम्मीद वाले माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपनी प्रतिनिधि के तौर पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस को साउथ कोरिया भेजा था, और फिर पूरी दुनिया के अखबारों में ये तस्वीर छपी, स्टेडियम में बैठे माइक पेंस और उनके बगल में कोरियाई मूल की दिख रही एक लड़की। हर नजर का ये सवाल था कि कौन है ये लड़की जिसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बगल में बिठाया गया। अखबारों में इसका नाम छपा किम यो जोंग। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति तानाशाह, जैसी मर्जी हो वैसी पदवी लगा लीजिए, किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग। ये पहला मौका था जब दुनिया ने किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में किम जोंग उन की बहन को हिस्सा लेते देखा था। पहली बार किम यो जोंग की तस्वीरें दुनिया भर में पहुंची। उस वक्त मीडिया ने इसे उत्तरी कोरिया की इवांका कहा, वो इसलिए क्योंकि इवांका ट्रंप की तरह ही उत्तरी कोरिया में किम यो जोंग को प्रभावशाली बताया गया। यंग, फ्रेंडली, करिज्मेटिक, ये शब्द अखबारों में किम की बहन किम यो जोंग के लिए लिखे गए। तब शायद ये अंदाजा नहीं था कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहे जाने वाला उत्तर कोरिया, उसकी सत्ता यही लड़की संभालेगी। हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सेहत को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस साल अप्रैल में खबर आई थी कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। मौत की खबर ही आई थी, मौत हुई या नहीं ये कन्फर्म नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तरी कोरिया ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। कोई भी खबर इस देश से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पर पाबंदियों का दौर है। तो फिर उत्तर कोरिया का शासक क्या कर रहा है, ठीक है या नहीं, ये सब खबरें कहाँ से आती हैं? इसका जवाब है सोल से, दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल। आप गौर करिएगा, उत्तर कोरिया या किम जोंग को लेकर जो भी खबरें आती हैं उसमें ज़्यादातर सूत्र दक्षिण कोरिया के होते हैं, और वहीं से वो दुनिया के हर अखबार तक पहुँचते हैं, फिर चाहे वो मिसाइल परीक्षण की बात हो या फिर किम की सेहत की। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का रिश्ता लगभग वैसा ही है जैसा भारत और पाकिस्तान का। तो सोल से उत्तर कोरिया की खबरें आने को आप यूं समझिए कि जैसे हमारे बगल में एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, उसकी सही सही खबरें दुनिया को दिल्ली के रास्ते पता चलें। उत्तर कोरिया के बारे में हर बात दक्षिण कोरिया से दुनिया को मालूम चलेगी तो बातें वैसी ही होंगी जैसी दक्षिण कोरिया को समझ में आएंगी, और कई दफ़ा इसमें दक्षिण कोरिया का प्रोपेगेंडा भी होता है। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि चाहे दक्षिण कोरिया से खबर आए या कहीं और से, लेकिन किम जोंग की मौत वाली खबर में कुछ सच्चाई तो है। मौत की खबर पहली बार अप्रैल में आई, लेकिन फिर उत्तरी कोरिया के शासक किम जोंग सार्वजनिक रूप से नजर आए। एक तस्वीर आई जिसमें वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करते दिखे। इस तस्वीर के जरिए उत्तरी कोरिया ने दुनिया को ये बताया कि किम जोंग जिंदा है, ठीक है। तो क्या किम जोंग की मौत पर दुनिया में झूठी खबरें लगी? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया से अब एक नया खुलासा हुआ है। खबर यह है कि किम जोंग उन मरा नहीं है। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार रहे डिप्लोमेट चोंग सोंग मिन ने खबर दी है कि किम जिंदा है, मरे के समान है, यानी कोमा में है। कैसी टीवी की हेडलाइन लगेगी, कोमा में किम। साउथ कोरियाई डिप्लोमेट के मुताबिक किम जोंग उन मरा नहीं है, लेकिन ठीक हो पाएगा इसकी उम्मीद कम है। इस डिप्लोमेट ने कोरियाई अखबार हेराल्ड को यह भी बताया कि किम के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता कौन संभालेगा, इसकी तैयारियां चल रही हैं। किम के कोमा में होने से सत्ता में जो वैक्यूम था उसे भरने का काम किम की बहन किम यो जोंग कर रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से सत्ता किम यो जोंग को नहीं सौंपी गई है। और चांग को ये बात, डिप्लोमेट को ये बात कहां से पता चली? चीन में मौजूद अपने सूत्रों से ये जानकारी हासिल हुई। और आपको लगता था कि सिर्फ इंडियन मीडिया में ही सूत्र होते हैं, सूत्र पूरी दुनिया में सूत्र की तरह फैले हैं। अगर किम कोमा में है तो उन तस्वीरों का क्या जो उत्तरी कोरिया ने जारी की थी?
उनमें किम एक फैक्ट्री का उद्घाटन करते दिख रहे थे। दक्षिण कोरियाई डिप्लोमेट ने इस पर भी सफाई दी। उनके मुताबिक वो सारी तस्वीरें फेक थी, फर्जी थी। किम के कोमा में होने की खबर छिपाने के लिए उत्तरी कोरिया ने ये तस्वीरें जारी की थी। किम इस साल बहुत ही कम मौकों पर सार्वजनिक रूप से दिखे, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि उनकी सेहत ठीक नहीं। कयास ये भी लगाया गया कि किम की हार्ट सर्जरी हुई, जिसके बाद से या तो वो बेड रिडन है, बिस्तर पर हैं, या फिर उनकी मौत हो गई। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी के हवाले से किम के बारे में जानकारी आई। जानकारी ये कि किम जोंग की कुछ अहम जिम्मेदारियां उनके करीबियों ने संभाल ली है, और उन्हीं जानकारियों में एक जानकारी ये है कि अब उत्तर कोरिया की नई शासक किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग होंगी। तो किसी देश का मुखिया बदलने से क्या देश बदल जाएगा? इस सवाल के जवाब कई ढंग से दिए जा सकते हैं। बहुत कुछ देश पर भी निर्भर करता है। दुनिया के कई देश हैं जहां लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए शासकों को बदलने की लंबी लड़ाइयां लड़ी। मौजूदा उदाहरण तो बेलारूस का ही है, जहां राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन यहां पर हम उस शासक की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया सन की तानाशाह मानती है, जिसकी मिसाइल का डर अमरीका तक महसूस किया जाता है, जिसके नाम के साथ हर वक्त तबाही का खतरा मंडराता है। अपने देश के लोगों में इस तानाशाह का इतना खौफ है कि किम जोंग के भाषण पर अगर कोई ताली भी कम बजाए तो उसे सजा हो सकती है। ऐसा ही स्टालिन के दौर में रूस में, सोवियत संघ में भी होता था। तो क्या शासक बदल जाने से, यानी किम जोंग उनकी जगह उनकी बहन किम यो जोंग की सत्ता संभालने से उत्तर कोरिया बदल जाएगा? दुनिया के राजनयिकों ने इस सवाल के जवाब में अनुमान लगाने शुरू कर दिए। उत्तर कोरिया में महिलाओं को सत्ता अब तक नहीं मिलती थी। 1948 से लेकर 1994 तक किम जोंग के दादा किम इल सुंग सत्ता पर काबिज रहे। उसके बाद 1994 से लेकर 2011 तक किम के पिता किम जोंग इल ने शासन किया। उनकी मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग उनके हाथों में सत्ता आई। उस वक्त किम की उम्र 27 साल थी। जब किम ने सत्ता संभाली तो उत्तर कोरिया को ऐसी उम्मीद बांधी बन गई कि अब शायद ये ज्यादा ओपन होगा, ज्यादा खुला होगा, बाकी देशों से रिश्ते शायद सुधरें। लेकिन ये उम्मीद जल्द टूट गई। किम जोंग भी अपने दादा और पिता की लाइन पर चले, बल्कि कहें तो उनसे ज्यादा क्रूर शासक साबित हुए। 2013 में उसने अपने चाचा और उसके परिवार को मरवा दिया क्योंकि बगावत का डर था। 2017 में इंडोनेशिया में अपने सौतेले भाई की हत्या करने का इल्जाम भी किम जोंग उन पर लगा। इस बीच किम के परिवार में उनकी सबसे करीबी मानी जाती रही उनकी बहन किम यो जोंग। किम यो जोंग अभी 32 साल की हैं और अपने भाई से 4 साल छोटी हैं। दोनों की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में हुई। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक किम को सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी बहन पर है और बहन की सियासत में दिलचस्पी है, ये बात उनके पिता ने 2002 में ही कह दी थी। किम यो जोंग उत्तरी कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सीनियर मेंबर है और उत्तरी कोरिया की सबसे ताकतवर महिला मानी जाती है। 2014 में उन्हें प्रोपोगेंडा एंड एजुटेशन डिपार्टमेंट का वाइस डायरेक्टर बनाया गया था। वो कम ज़्यादा कई मौक़ों पर किम जोंग के साथ दिखती रही, लेकिन ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आई। तो क्या अब उत्तर कोरिया तानाशाही के दौर से बाहर आ जाएगा? टिप्पणीकार ऐसा नहीं मानते। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बहन उससे भी ज़्यादा सनकी हो सकती है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एशियाई मामलों के निदेशक रहे विक्टर चौ के मुताबिक किम यो जोंग हार्डलाइनर है। वो साउथ कोरिया और अमेरिका को लेकर और भी कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। वो नॉर्थ कोरिया में और बाहर खुद को मजबूत नेता के तौर पर दिखाने के लिए मिसाइल परीक्षण भी करवाएंगी, ज़्यादा आक्रामक रणनीति बनाएंगी। यानी ऐसा लगता नहीं कि शासक बदलने से उत्तर कोरिया के तौर तरीकों में और दुनिया के साथ उसके रिश्तों में कोई तब्दीली आएगी। पर एक सवाल ये भी है कि किम की बहन शासक बनेंगी या नहीं, ये अटकलें हैं। इनकी पूरी तरह से पुष्टि कैसे की जाए? कैसे की जाए पुष्टि इस बात की कि किम जोंग की मौत हो गई है या फिर वो कोमा में है, क्योंकि ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस एक शर्त के साथ नत्थी है। उत्तर कोरिया में कब क्या होता है बाहर ज़्यादा पता नहीं पड़ता। किम के पिता की मौत की खबर भी तब बाहर आई जब उत्तर कोरिया ने अंतिम संस्कार के दिन खबर रिलीज की। शायद किम जोंग उनकी खबर भी ऐसे ही अचानक बाहर आए। क्या हो सकता है वो सही सलामत हो, उत्तर कोरिया की कोई और ही रणनीति? ये थी आज की बड़ी खबर। जानता हूँ ज़्यादातर स्पेकुलेशन पर थी, पर कई दफ़ा बड़ी खबरें ऐसे ही छोटे छोटे सुरगों के जरिए हम पर जाहिर होती हैं। और नॉर्थ कोरिया है भी इतना बंद कि अनुमानों के सहारे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आशंका जताई है कि विरोधी पार्टी चुनाव में धांधली कर सकती है। कितना हास्यास्पद साउंड कर रहा है ना।
ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट सिर्फ चुनाव में गड़बड़ी करके ही जीत सकते हैं, वरना तो हम ही जीतेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन यानी कि RNC में ट्रंप ने ये बात कही 2016 में, जिस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन उनसे ट्रंप पिछड़ रहे थे, तब भी उन्होंने चुनाव में धांधली वाली बात कही थी। कई ओपिनियन पोल्स के मुताबिक ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ट्रंप के बड़े बेटे के एक बयान की भी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप जूनियर ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को लॉच नेस मॉन्स्टर ऑफ द स्वैम्प कह डाला, यानी दलदल में पाया जाने वाला एक लंबी गर्दन का डरावना जीव। लॉच नेस मॉन्स्टर का जिक्र स्कॉटलैंड के किस्से कहानियों में खूब मिलता है। दूसरी सुर्खी, कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के साथ रिश्ते बहाल करने का ऐलान किया था, अब फिर से दोनों में मनमुटाव की बातें सामने आ रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अमरीका के साथ F-35 लड़ाकू विमान के सौदे की बैठक रद्द कर दी। इसराइल UAE को लड़ाकू विमान देने के अमरीकी फैसले का विरोध कर रहा था। तीसरी सुर्खी, शुक्रवार के शो में हमने रूस के पुतिन विरोधी नेता अलेक्जेई नवाल्नी को चाय में जहर देने की घटना के बारे में बताया था। तब वह रूस के जिस अस्पताल में भर्ती थे अलेक्जेई, वहां के डॉक्टर ने जहर वाली बात से इनकार किया था और कहा था कि जहर नहीं दिया गया, किसी और वजह से तबीयत खराब हुई। लेकिन उसके बाद अलेक्जेई को जर्मनी ले जाया गया। अब जर्मनी के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लग रहा है कि अलेक्जेई को जहर ही दिया गया था। ये बातें जांच के आधार पर कही जा रही हैं, पुतिन के द्वारा दिए गए किसी प्रेशर के आधार पर नहीं, तो इन पर ज्यादा यकीन किया जा सकता है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी शो के तीसरे हिस्से की, जिसका नाम है तारीख। आज तारीख है 25 अगस्त और इस तारीख को अगर हम आपसे कहें कि फ्रांस दूसरी दफा आजाद हुआ था तो ये गलत नहीं होगा। फ्रांस को पहली आजादी 1789 में मिली और दूसरी आजादी 25 अगस्त 1944 को। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन का संबंध दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दौर की एक अहम घटना से है। 76 बरस पहले आज ही के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस नाजी जर्मनी से आजाद हुई थी, उसके कब्जे से आजाद हुई थी। ये कहानी शुरू हुई मई 1940 में, जब हिटलर ने बेल्जियम और नेदरलैंड जैसे देशों के साथ फ्रांस पर चढ़ाई कर दी और महीने भर के अंदर फ्रांस की राजधानी पर नाजियों का कब्जा हो गया। विशी शहर को फ्रांस की नई राजधानी भी बना दिया गया। फ्रेंच रिपब्लिक को भंग करके वरिष्ठ फ्रेंच अधिकारी फिलिप पिटेन को फ्रांस का हेड ऑफ स्टेट घोषित कर दिया गया। फिलिप जर्मनी के इशारे पर काम करने वाला एक कठपुतली शासक था, लेकिन हर फ्रांसीसी ने जर्मनी के राज को स्वीकार नहीं किया। जर्मन सेना और उसकी उंगलियों पर नाचती फ्रांस की सरकार को भारी आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ता था। इन विरोध करने वालों में फ्रांस के आम नागरिकों से लेकर वहां की सेना में काम कर चुके आला अधिकारी तक शामिल थे। ऐसे ही एक अधिकारी थे फ्रेंच जनरल चार्ल्स डी गॉल। चार्ल्स इंग्लैंड चले गए और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के साथ मिलकर फ्री फ्रेंच मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने लंदन में फ्रेंच सेकेंड आर्मर डिवीजन के नाम से अपनी सेना तैयार की, जैसे हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी उसी तर्ज पर। 1944 आते आते वर्ल्ड वॉर पर हिटलर की पकड़ कमजोर हो गई, फिर इसका फायदा फ्रांस को मिला। आखिरकार अमरीकी सेना की मदद से 1944 में फ्रांस ने खुद को आजाद कर लिया जर्मन सेना के चंगुल से। 25 अगस्त 1944 के दिन फ्रांस में जर्मनी सेना के कमांडर डेट्रिच वॉन ने सरेंडर किया। पेरिस को 4 साल बाद नाजी जर्मनी से आजादी मिली। कहा जाता है कि हिटलर का आदेश था कि जर्मन सेना पेरिस में आखिरी सांस तक लड़े और हारने से पहले शहर के सारे ऐतिहासिक स्थानों को तबाह कर दे, लेकिन जर्मन कमांडर डेट्रिच ने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें पेरिस जैसे सुंदर शहर को तबाह करने वाले आदमी के तौर पर याद रखे। और जब 4 साल बाद लोगों को अपना पेरिस आजाद दिखा तो उसमें तबाही के निशान थे, क्योंकि सिर्फ इमारतों से शहर नहीं बनता, शहर बनता है उसके रहवासियों से। आज के दुनियादारी शो में इतना ही। आखिरी में हमेशा की तरह विश्व कविता सेगमेंट। एक कविता पोलैंड की कवित्री मेरे हिये के बहुत करीब, आपको खोज के इनको पढ़ना चाहिए, विश्वास शिम्बोस का। ये कविता जिसका शीर्षक है यातनाएं, कविता का अनुवाद किया है हमारी भाषा में विजय अहलूवालिया ने। बदला कुछ भी नहीं, देह आज भी कांपती है उसी तरह जैसे कांपती थी रोम के बसने के पूर्व और पश्चात, ईसा के 20 सदी पूर्व और पश्चात। यातनाएं वहीं की वहीं हैं, सिर्फ धरती सिकुड़ गई है। कहीं भी कुछ होता है तो लगता है हमारे पड़ोस में हुआ है। बदला कुछ भी नहीं, केवल आबादी बढ़ती गई है। गुनाहों के फेहरिस्त में कुछ और गुनाह जुड़ गए हैं।
सच्चे, झूठे, फौरी और फर्जी, लेकिन उनके जवाब में देह से उठती चीख हमेशा से बेगुनाह थी, है और रहेगी। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।